नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के थाना भवन शुगर मिल के बाहर खड़ी गन्ने का ट्रक टटोला। एसओजी व पुलिस की टीम ने मेरठ से बरामद करते हुए आधा दर्जन से अधिक चोरों को भी गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ट्रक टटोला चोरी के मामले में पीड़ित के सहयोगी ने इंटरनेट मीडिया में चोरों को पकड़वाने वालों को 1,00,000 रुपया देने की घोषणा की थी। अब पुलिस कागजी कार्रवाई करने में जुटी हुई है। करोदा हाथी निवासी कालेंद्र मलिक ने 23 दिसंबर 2023 को थाना भवन थाने पर एक लिखित तहरीर देते हुए बताया था कि थाना भवन शुगर मिल में गन्ने के सेंटर से ढुलाई के दौरान इसका ट्रक टटोला लगा हुआ था, जिसको मिल पर खड़ी करके उसका ड्राइवर चला गया था। अज्ञात चोरों ने ट्रक टटोले को चोरी कर लिया। पुलिस मामले की छानबीन में लगी हुई थी। शामली एसओजी में थाना भवन थाना प्रभारी नेत्रपाल सिंह ने टीम गठित कर संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए लोगों ने बताया कि ट्रक टटोला मेरठ के माधवपुरम में उन्होंने बेच दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची और चोर ट्रोले को गैस कटर से पूरी तरह काट चुके थे और ट्रैक्टर को काटने की तैयारी में थे। वहीं करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। अब पुलिस कागजी कार्रवाई में जुटी हुई है। पीड़ित पक्ष भी चोरी के खुलासे के बाद थाने पहुंचा। उन्होंने पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई पर पुलिस का आभार व्यक्त किया है। वक्त हो चला है आप सभी लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर।